हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑन आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक। द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंबसन। क्या है बेटा टॉपिक का नाम? टाइप्स ऑफ कंबसन, जलने के प्रकार, दहन के प्रकार। वी विल डिस्कस थ्री टाइप्स ऑफ कंबसन। हम तीन टाइप के कंबसन के बारे में आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं जय माँ सरस्वती के नाम से, जय माँ सरस्वती। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका जो टाइप है वो आता है आपका रैपिड कंबसन। क्या बात था? रैपिड कंबसन। रैपिड कंबसन जो होता है, आपको नाम से रैपिड का मतलब होता है सडन, तेजी से, एकदम। व्हेन एनी सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली When it come contact with heat, जब कोई सब्सटेंस एकदम से जल जाता है, किसके संपर्क में आते हैं? हीट के संपर्क में। वो एकदम से जलता है क्यों है? इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या है? इग्निशन टेम्परेचर लो है ना, उसका बहुत ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा, तो इस वजह से तो जल पा रहा है। और जल के वो क्या देता है? हीट देता है, लाइट देता है, हीट देता है और लाइट देता है। तो उस कंबसन को रैपिड कंबसन, रैपिड का मतलब होता है एट वंस, एकदम से जल जाना। When any substance comes in contact with heat having very low ignition temperature, it burns rapidly at once and it gives heat and light. So it is known as rapid combustion. जब कोई चीज एकदम से जल उठते हैं हीट के संपर्क में आने से, क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको रैपिड कंबसन कहते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल क्या सकते हैं? एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल है। इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। अगर आप इनके पास हीट लेके जाओगे, आग थोड़ी सी लेके जाओगे, तो एकदम से आग पकड़ लेंगे, एकदम से मतलब सडन, रैपिड कंबसन। आया समझ में? चलिए बात कर लेते हैं सेकंड की। सेकंड में आपका क्या आता है? सेकंड में आपका आएगा बेटा स्पॉन्टेनियस कंबसन। क्या आएगा बेटा? स्पॉन्टेनियस कंबसन। स्पॉन्टेनियस कंबसन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद से, अपने आप, ऑटोमेटिकली, अपने आप खुद से ही जल जाना। ये कैसे होता है अब? और ये बिना हीट के होता है। अब आप बोलोगे सर कोई चीज तो बिना हीट के जल नहीं सकती। देखो इन इसके एग्जांपल देते हैं। व्हेन एनी, पहले इसके बारे में बता देता हूं क्या होता है। व्हेन एनी सब्सटेंस बर्न्स ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट, जब कोई चीज अपने आप जल उठती है बिना हीट के, तो उस प्रक्रिया को स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक, खुद जलना कहते हैं। ऑटोमेटिक या स्पॉन्टेनियस कंबसन बोला जाता है। ये जैसे होता है कोल माइंस में, कोल माइंस जो कोयले के खदाने होते हैं, वहां पे जो पाउडर उड़ रहा होता है, अगर उसमें थोड़ी सी भी अगर जैसे चिंगारी उधर उधर से आती है, तो या एकदम से उसमें अगर मान लो उसको ऐसा टेम्परेचर मिल गया कि उसका इग्निशन टेम्परेचर उतना नहीं है, ज्यादा गर्म होने उसको वो गर्म होगी, तो एकदम से उसमें क्या होता है? ब्लास्ट हो सकता है, ब्लास्ट हो जाता है। पीछे ब्लास्ट हुए थे कोयल माइंस की खदानों में, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती थी। फॉरेस्ट फायर में आप देखते हैं, फॉरेस्ट फायर में कि जो सूखी घास होती है उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। जब सूर्य अपनी जो गर्मी है उन पर डालता है, तो एकदम से उसमें आग लग जाती है। वो एकदम से अपने आप लगी है ना, अपने आप लगी है, हमने कोई आग नहीं लगाई, अपने आप सूरज की हीट से उन्होंने आग पकड़ ली ऑटोमेटिकली। तो वो क्या है? स्पॉन्टेनियस कंबसन। आपके और दो एग्जांपल होते हैं, सल्फर होते हैं और फॉस्फोरस, या आपके मेटल्स हैं, नॉन मेटल मेटल हैं, नॉन मेटल्स, जिसमें आपका इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। सल्फर क्या है? जैसे सोडियम होता है, सोडियम आग जैसे खुले आम छोड़ दो एकदम से आग लग जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। उसमें वो रिएक्ट कर जाता है एयर के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है। तो इस तरह सल्फर और फॉस्फोरस होते हैं, आपके इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, जिसके कारण क्या कर देते हैं? एकदम से ऑटोमेटिकली जल उठते हैं, तो इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबसन। थर्ड और आपका लास्ट आता है रैपिड कंबसन। क्या आता है बेटा? एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? विस्फोट होना, बूम, फट जाना। एक्सप्लोजन क्या होता है? ये क्रैकर्स में होता है, लाइक इन फेस्टिवल्स वी जनरली क्रैक्स द क्रैकर्स, ओके। त्योहार पर हम क्या क्रैक करते हैं, हम क्या फोड़ते हैं? क्रैकर्स, पटाखे जलाते हैं। एंड व्हेन एनी क्रैकर इज इग्निटेड,
और बर्न्ट, जब हम किसी पटाखे को जलाते हैं, जब हम किसी पटाखे को जलाते हैं तो व्हाट इज प्रोड्यूस, क्या क्या बाहर निकलता है? आपको पता है, एक तो हीट बाहर निकलती है, एक साउंड बाहर निकलती है, एक गैस बाहर निकलती है और साथ में लाइट बाहर निकलती है। आपने जब पटाखा जलाया होगा तो उसमें से बहुत ज्यादा रोशनी बाहर निकलती है, हीट, गर्मी। जैसे वो पटाखा जल गया, आप उसको छू के देखते हो, गर्म होता है, तो गर्मी बाहर निकलती है। साउंड, बूम, एकदम से आवाज आती है धमाके की। और गैस, बहुत सारा धुआं बाहर निकलता है। तो ये क्या है? एक्सप्लोजन। व्हाट इज एक्सप्लोजन? व्हेन एनी सब्सटेंस इज इग्निटेड एंड आफ्टर बर्निंग इट प्रोड्यूस लाइट, हीट, साउंड एंड गैस, और यू कैन से स्मोक, गैस, धुएं के रूप में। सो इट इज नोन एज एक्सप्लोजन। इसको फटना कहते हैं, विस्फोट होना कहते हैं। आप और एक किस तरह से, एक तो हम इसको जला के होता है, और एक ज्यादा प्रेशर, आप किसी पटाखे पे ज्यादा प्रेशर लगाओगे तब भी क्या हो जाएगा, ये क्रैक हो जाएगा। सो देयर दीज वर योर थ्री टाइप्स ऑफ कंबसन। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आर थ्री टाइप्स ऑफ कंबसन, व्हाट इज रैपिड कंबसन, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस कंबसन एंड व्हाट इज एक्सप्लोजन। व्हाट इज एक्सप्लोजन, एक बार चलिए फिर से मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ ऐसे ही विदाउट मार्कर। बेटा सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले हमने सीखा रैपिड कंबसन। व्हाट इज रैपिड? रैपिड कंबसन होता है तेजी से, तेजी से। व्हेन एनी सब्सटेंस कम इन कॉन्टैक्ट विद द हीट, सो इट बर्न्स रैपिडली। जब कोई सब्सटेंस हीट के संपर्क में आता है तो एकदम से वो जल जाता है, बिकॉज दे हैव वेरी लो इनिशियल टेम्परेचर। जब हम उसके पास हीट, आग लेके पास, आग उसके पास, या हम उसको हीट देते हैं, आग उसके पास लेके जाते हैं, तो मैंने इसके एग्जाम्पल क्या लिखे थे, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, इनका एक टेम्परेचर बहुत कम है। इनके पास आप आग लेके जाओगे ना तो एकदम से आग लग जाएगी, पेट्रोल आप छिड़क दो आग लग जाएगी। क्यों? वो क्या है, रैपिड कंबसन। रैपिड मैंने सडनली, एकदम से, स्पॉन्टेनियस कंबसन, स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिकली अपने आप आग लग जाना। व्हेन एनी सब्सटेंस बर्न्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट और विदाउट एनी काज ऑफ हीट, जब कोई चीज अपने आप आग पकड़ लेती है, हमने कोई हीट नहीं दी। क्यों? क्योंकि उसका उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल गया। इट हैपन्स इन केस ऑफ नॉन मेटल सल्फर एंड फॉस्फोरस, दे हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। अगर आसपास से उनको थोड़ी सी भी हीट मिल गई तो अपने आप आग लग जाएगी उनमें। या आपने देखा होगा फॉरेस्ट फायर के अंदर आग लग जाती है, ड्राई ग्रास हैविंग हाईएस्ट टेम्परेचर, सो देन द ड्राई गैस रीचेस इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड इट कैच फायर इजिली, देन द ड्राई गैस स्टार्ट्स बर्निंग एंड द फायर देन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रीज और प्लांट्स एंड देन द होल फॉरेस्ट गोज ऑन फायर। और फिर थोड़े ही टाइम में क्या होता है, पूरे जंगल में आग लग जाती है। एंड यू ऑल्सो नो दैट वी कैन नॉट कंट्रोल सच फायर बिकॉज द फॉरेस्ट इज वेरी लार्ज एरिया। ओके, और क्या होता है आपका, कोल माइंस में कोल गैस होती है। एक होता है आपका एक्सप्लोजन, विस्फोट होना, या आपका प्रेशर लगाने से होता है कि आप ज्यादा प्रेशर लगाते हो, ज्यादा प्रेशर लगाने से फट जाएगा, तो उसी क्या बाहर निकलेगी, हीट, लाइट, साउंड और गैस। ठीक है, एक आप इसको आप जलाते हो एट इन आवर फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली, वी जनरली सेलिब्रेट द फेस्टिवल दिवाली विद क्रैकर्स ऑल्सो, एंड वेन वी बर्न एनी क्रैकर सो इट प्रोड्यूस लाइट, हीट, साउंड एंड गैस। जब हम किसी पटाखे को जलाते हैं तो उसे लाइट हम आग दिखती है फ्लेम के रूप में, रोशनी, हीट, उसमें से गर्मी बाहर निकलती है, साउंड, आवाज, बूम, धमाका होता है, और गैस, बहुत सारा धुआं बाहर निकलता है जिससे एयर पोल्यूशन होता है। सो दीज वर योर थ्री टाइप्स ऑफ कंबसन। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर आपकी वीडियो क्या करते हैं हम आज समाप्त करते हैं। अगर आपको इन तीनों टाइप्स में से अभी भी कोई अगर समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दी वर योर थ्री टाइप्स ऑफ कंबसन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन कंफर्म व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ कंबसन, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड what is rapid combustion, what is explosion and what is spontaneous combustion. So let's close our class here and so take care, bye bye and be happy.